हिमाचल में जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वहाँ के खुद के कर रहे हैं, वो राजीव शुक्ला जी जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, और उनके संबंध अमित शाह जी के बेटे के साथ जग जाहिर है। तो और उसी प्रकार से शैलजा जी के साथ जो हो रहा है, और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, हुड्डा जी एक पुराने कांग्रेसी हैं, वो सब्र भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से एक अच्छा फार्मूला कांग्रेस के लिए होगा, पूरे देश के लिए फायदा पहुंचाने के लिए, के शैलजा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और दीपेंद्र हुड्डा जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां का बनाया जाए। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन पूरे देश के सामने, कांग्रेस की एक अच्छी छवि भी पूरे देश के सामने जाएगी। अब आंदोलन करना चाहिए अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने का, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि उन्हीं के कंट्रोल वाली पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे, अगर उसमें आरएसएस के एजेंट्स जो हैं, जो उनकी टॉप लीडरशिप के चारों तरफ घेराबंदी करके बैठे हैं, उनको निकाल देंगे या उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, तो आरएसएस और बीजेपी की सीटें आनी बंद हो जाएंगी असेंबली में भी और पार्लियामेंट में। ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी हमला किस तरीके से हो गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है। ये टोटल फेलियर है, एक प्रोटोकॉल होता है सुरक्षा का जी। तो वो प्रोटोकॉल में अगर कुछ फेलियर है तो उन्हें कंप्लेंट करानी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये किसी भी अंबेडकरवादी के साथ अगर ऐसा होता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेके चल रहा हो आगे जी, तो मुझे बहुत दुख होता है, और वो तो मैं उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। और अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो, और अगर वो किसी भी कोई भी बड़ी तकलीफ आती है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस मसले को खुद निपटा लेंगे, मगर फिर भी मुझे मतलब इतना बड़ा कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ़ है इस बात की। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनके लोग मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मैं बहुत मजबूत कानूनी कार्रवाई करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है इंश्योर कराऊँगा कि उसमें कोई लैप्स नहीं हो। राजनीतिक किसी से मनमुटाव हो सकते हैं, जैसे मैं खुद नहीं चाहता था कि वो दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिल के वहाँ पे चुनाव लड़े, और इससे मुझे बहुत बड़ा दुख भी हुआ और परेशानी में भी हुई मुझे कि उससे उनकी छवि को 100% नुकसान पहुँचेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनके ऊपर कोई इस तरीके से हमला करे और हम चुप बैठे। तो अगर वो चाहेंगे तो मैं उनकी लीगल मदद करने के लिए तत्पर हूँ और मैं इलाज करूँगा इन लोगों का। पुलिस जांच पड़ताल की बात कर रही है कि जल्दी जो है गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस तो क्या, देखिए पुलिस के अधिकारी जो हैं, एक जो ईमानदार चीफ मिनिस्टर तो है नहीं कोई वहाँ पे, ना ईमानदार पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके ऊपर भरोसा करना मेरे ख्याल से धोखा खाने के बराबर होगा। इसकी स्वयं अपनी नज़रों से, और कानून में प्रावधान है ना, केस डाल के सारी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के सारी कागजात जो हैं हमारी नज़रों के सामने सारे आने चाहिए, जब ही हमें विश्वास करना चाहिए, वरना विश्वास नहीं करना चाहिए। उनको अपनी लीगल टीम जो है मेरे ख्याल से मजबूत करनी चाहिए, उसके लिए उनको बहुत सख्त ज़रूरत पड़ भी रही होगी और पड़ेगी भी आगे, मुझे ऐसा लगता है। सर पहले भी फायरिंग हुई थी, गोलीबारी हुई थी, तो काफ़ी जख्मी हो गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए जो उनके चारों तरफ लोग, देखिए राजनीति अलग बात है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि उनके इस कदम से मैं खुद बहुत दुखी हूँ, लेकिन जान की सुरक्षा करना उनकी, उनके सरकार और पुलिस से भी ज़्यादा जो उनके चारों तरफ लोग हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार के अगर हमले होते हैं तो उन्हें, उन्होंने अब तक इसके लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए, इसकी भी जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, और सुरक्षा बढ़ाने से ज़्यादा सुरक्षा में चूक कैसे हुई उसको पता करना ज़रूरी है। बढ़ाने से क्या होगा, जब सुरक्षा कर्मी ठीक से काम कर रहे होंगे जब ही तो कुछ होगा, ये है महत्वपूर्ण बात। अगर कोई गलती हम पकड़ेंगे जब ही तो उसे ठीक करेंगे, सुरक्षा तो मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी है, कितनी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, बात सुरक्षा बढ़ाने की नहीं है, सुरक्षा करने की है, सुरक्षा की जानी चाहिए। अब आंदोलन करना चाहिए अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने का, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि उन्हीं के कंट्रोल वाली पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही। तो क्या एक दलित चेहरा उभर रहा राजनीति में, तो मनुवादियों को पसंद नहीं आ रहा, आएगा क्या? आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा ना। अपना यूज एंड थ्रो की नीति होती है इनकी, कुछ इस्तेमाल करके फेंक सकें, उतने भर का प्यार मोहब्बत होती है आरएसएस वालों की, किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब
ओबीसी या मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के साथ, उससे ज़्यादा थोड़ी कुछ होता है। जब तक गन्ने में जूस है, रस है, तब तक मनुवादियों को प्यार होता है अम्बेडकरवादियों से। उसके बाद तो वो हर एक व्यक्ति को नुकसान ही करेंगे ना। तो आपके मन में कैसे विचार आ गया कि उनको कैसा लगेगा या नहीं लगेगा? वो तो खुशी हो रहे होंगे। जितना ज़्यादा नुकसान होगा किसी भी अम्बेडकरवादी मूवमेंट के व्यक्ति का, उतने ज़्यादा खुश होगी मनुवादी लोग। क्या लगता है सर इसके पीछे कांग्रेस, बीजेपी, क्योंकि वहाँ पर जो है दलित जो लीडरशिप है उसको जो है कांग्रेस भी पसंद नहीं कर रही है एक तरह से, देखिए जिस तरह से कुमारी शैलजा का जो हम विवाद देख रहे हैं, तो इसके पीछे? देखिए, मैंने इस बारे में भी साफ साफ बोला है कि अगर दो जगह पे है जहाँ कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और दोनों नुकसान ऐसे हैं जो कि सेल्फ गोल होंगे, हिमाचल में जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वहाँ के खुद के कर रहे हैं, वो राजीव शुक्ला जी जो हैं उनकी जिम्मेदारी है और उनके संबंध अमित शाह जी के बेटे के साथ जग जाहिर हैं, तो और उसी प्रकार से शैलजा जी के साथ जो हो रहा है और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। हुड्डा जी एक पुराने कांग्रेसी हैं, वो सब्र भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से एक अच्छा फार्मूला कांग्रेस के लिए होगा, पूरे देश के लिए फायदा पहुंचाने के लिए, के शैलजा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और दीपेंद्र हुड्डा जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां का बनाया जाए, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन पूरे देश के सामने, कांग्रेस की एक अच्छी छवि भी पूरे देश के सामने जाएगी और इससे कांग्रेस को पूरा फायदा होगा। लेकिन मैं उनको सलाह देने वाला कोई हूँ नहीं, ये तो आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया है। बाकी तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे, अगर उसमें आरएसएस के एजेंट्स जो हैं, जो उनकी टॉप लीडरशिप के चारों तरफ घेराबंदी करके बैठे हैं, उनको निकाल देंगे या उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, तो आरएसएस और बीजेपी की सीटें आनी बंद हो जाएंगी असेंबली में भी और पार्लियामेंट में। तो सर क्या लगता है कि अब जो जिस तरह से चुनावी माहौल है हरियाणा में, वो किस तरफ आपको नज़र आ रहा है उसका रुख? ये मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूँ, मेरा जो स्टडी है सारी होती है आरएसएस और बीजेपी पे। अगर आरएसएस और बीजेपी की एक भी सीट आती है या इनके किसी भी सहयोगी की जो इनके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें चुनाव में धांधली हुई है ईवीएम के माध्यम से या किसी और माध्यम से। अगर ये सच्चे सुथरे साफ सुथरे एकदम निष्पक्ष चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में एक भी सीट या उनके किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मित्र की एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, यही टेस्ट है चुनाव का। मैं तो इसको साफ बता रहा हूँ, मोदी जी को इतना बड़ा युग पुरुष मानने को तैयार हो रहे हैं करोड़ों लोग, क्यों? धोखाधड़ी है, पैसे इतने खर्च करते हैं आप लोग, कैसी कैसी चीजें खाते हो गंदी संदी ये पैक्ड फूड में, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े फिल्मी एक्टर बोलते हैं, एक एड आता है उसका, एक बच्चों को खिलाने का कॉम्प्लान या न्यूट्रा, वो जब रेस लग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसका एडवर्टीजमेंट ऐसा आता है, सब बच्चे जो है ना वो हवाई जहाज के साथ दौड़ने का ऐड आता था, तो वो हवाई जहाज को उड़ते हुए हवाई जहाज को बच्चा कोई कॉम्प्लान या क्या ये खा के हॉर्लिक्स वगैरह कुछ बीट कर देता था, तो सारे बच्चे के जो है अपनी माँ से जिद कर रहे हैं जी मुझे भी इतना तेज दौड़ना है, ये उस तरीके का धोखाधड़ी का काम है। धोखाधड़ी ही सबसे ज्यादा चीज है आजकल। क्या हो रहा है, दिखाओ कि मैं बड़ा आदमी हूं। बड़ा आदमी होना, ईमानदार होना जरूरी नहीं है, ईमानदार लगना जरूरी है और उसके लिए पैसे खर्च करो। आप जो काम मोदी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है, ईमानदारी से कोई काम नहीं करना, दुनिया भर की बेईमानी करनी है, पैसे इस बात पे खर्च करने हैं, पूरी ताकत इस बात पे लगानी है कि मैं ईमानदार लगूं। तो ये मौलाना लगने पे पैसे खर्च कर रहे हैं सारे, मौलाना बनने के लिए एक ही पैसा चाह रहे हैं कि सीएनआरसी कोई संबंध नहीं है मौलाना बनने को? नहीं, सीएनआरसी का पूरा संबंध है ना, ये आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि जो कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी को ये समझाओ कि तुम सीएनआरसी अच्छी चीज है, ये आरएसएस का एजेंडा है। अभी ये कुछ दिन में बोलेंगे वक्फ भी अच्छी चीज है, वक्फ का जो ये बिल आया है ये बहुत अच्छी चीज है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देख लेना। कई लोग तो बोल भी रहे हैं। तो ये कौन बोल रहे हैं जो आरएसएस के एजेंट है, यही तो बोलेगा उसको अच्छा। उसमें तो आपने भी बोला एक चीज, तो क्या ठीक है ये? मैंने कोई चीज नहीं बोली उसकी, कि उसमें चोरी जो होती है अभी भी आपने नहीं, भाई मैं ये बिल आया उसकी तारीफ नहीं करता मैं, एक पॉइंट की तो कर रहे हैं ना आप, देखिए सिर्फ एक पॉइंट, जो उसका नाम है वो अच्छा है, नाम क्या होता है दिखाने के लिए, जैसे सबका साथ सबका विकास, अब ये जो नाम रखा है वक्फ की डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट और ये होगी, नाम रखा है, नाम अच्छा, काम बुरे, मतलब मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं आपको मारूंगा तो आप आओगे,
आप मेरे पास नहीं आओगे, मैं आपको कहूंगा प्यार बिल से चोरी तो रुकेगी ना, देखिए इस बिल से चोरी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। चोरी रोकने का जो थोड़ा बहुत प्रावधान पुराने बिल में था वो खत्म हो जाएगा। आज मैं अपने ट्विटर हैंडल पे जो फीचर्स है ना मेरे वाले बिल को जो मैं बता रहा हूँ दुनिया भर के सामने पेश करने वाला हूँ, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्विटर हैंडल पे भी, और आज पूना में वो रिलीज भी होगा, मैं अभी आपसे बात करके वहीं वो रिलीज भी होगा, और उसके बाद आप देख लीजिएगा ये फीचर्स हैं। ये सारे के सारे जितने सो कॉल्ड वफ के जो हिमायती बन रहे हैं सब मेरे वाले बिल की मुखालफत करेंगे, क्योंकि मैंने सजाएं रखी हैं, उम्र कैद तक की सजा होगी जो वक्फ में चोरी करेगा। आप देखो कौन सा ऐसा हमारा जो अभी बड़े बड़े लोग कह रहे हैं ना वक्फ एक्ट इम्प्रूव होना चाहिए, वो सब भाग जाएंगे देखना भी आप। अरे तो आएंगे कोई आएगा, चोरी तो होनी होनी है सर, गरीब तो मरने के लिए पैदा, गरीब को कुछ मिलेगा क्या? गरीब तक मिला कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है और लोगों को सवाल पूछने की जरूरत है। ये नहीं कि मौलाना का चोगा पहन लिया प्रधानमंत्री के पद पे बैठ गया तो सवाल नहीं पूछेगा कोई, इसलिए मैंने हजरत उमर का एग्जांपल दिया। मैं तो अपने धर्म से ही एग्जांपल दे रहा हूं ना, कोई भी सबसे बड़े पद पे थे वो, तब भी एक एक व्यक्ति ने उनका पकड़ लिया हाथ कि भाई तुम्हारी ये जो चादर है लंबी कैसे हो गई। ये सवाल मोदी जी से पूछा किसी ने कि आप पहले लगते थे कैसे और आज लगते हो कैसे? पूछा किसी ने कि इतने सुंदर कैसे हो गए आप? इतने सुंदर पहले भी सुंदर थे लेकिन इतने सुंदर नहीं थे, कैसे हो गए? किसी ने पूछा कि आपके कपड़े अच्छे होते थे लेकिन इतने अच्छे नहीं होते थे, कैसे अच्छे हो गए? ये है जो जो ईमानदारी का को मेंटेन करने के लिए जरूरत होता जिस काम की। बाबा साहब कपड़े अच्छे पहनते थे, उनसे पूछो वो बताते ना मैंने ऐसे 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 पैसे कमा के ये कपड़े पहने, देंगे ना हिसाब? मुझसे पूछो कि मैं अपना एक एक पैसे का हिसाब दूंगा आपको कि मेरे पास यहां से पैसे है इसलिए मैंने ये कपड़े पहने। मोदी कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, उनको तो नहीं लगता देखिए मुसलमान नहीं डरा हुआ, जो ये बड़े बड़े लीडर्स है ना हमारे ये खुद लालच में एजेंट बन गए आरएसएस और बीजेपी के, और ये मुसलमानों को डरपोक बनाने के लिए सुपारी लेके दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान कोई डरा हुआ नहीं है, कोई भी वीकर सेक्शन का व्यक्ति कभी डरा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो दिन रात मुसीबतें झेल के ही बड़ा होता है। एक से बढ़कर एक खतरा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध ओबीसी सब रोज की संघर्ष करके एक एक कदम पे मौत को जिंदगी से लड़ाई करके, जिंदगी और मौत की लड़ाई करके आगे बढ़ता है। तो हम लोग कहाँ डरने वाले हैं? डरने वाले तो वो हैं जिनके पेट में हराम चला जाता है वो डरते हैं। हाँ भी कहते हैं बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिद टूट रही है, रोज हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर लिंचिंग हो रही है ना, डर तो फिर भी नहीं रहे। डर कौन डरा कौन रहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट ना करो? मुस्लिम समाज के लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए कभी भी तैयार है। अभी एक इम्तियाज जलील साहब ने कॉल दी हल्की सी तो कितने लोग आ गए। तो लोग बहादुर हैं, जो लीडर हैं वो गुमराह कर रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं। लीडर हमारे आरएसएस के एजेंट हैं, जैसे सभी कमजोर समाजों के लीडर्स जो हैं वो एजेंट बन गए आरएसएस के, वैसे हमारे भी आरएसएस के एजेंट हैं।